यह है मुंबई बंदरगाह। भारत से होने वाला अधिकतर बीफ एक्सपोर्ट यहीं से विदेशों में होता है। इस बात पर पाकिस्तान ने ताना मारा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देश है, ऐसा गोवध किए बिना नहीं हो सकता। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। दिस ऑब्वियसली कैन नॉट हैपन विदाउट स्लॉटरिंग ऑफ काउस। अटैक्स अगेंस्ट मुस्लिम्स फॉर कंज्यूमिंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ काउस आर therefore beyond comprehension and a cause of concern for the Muslim Ummah। दरअसल जिस आंकड़े की वो बात कर रहे हैं उसकी वजह है अमेरिकी खाद्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े, जिसमें भारत को नंबर दो पर नहीं बल्कि बीफ एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ऊपर दिखाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील ने करीब 20 लाख टन बीफ का एक्सपोर्ट किया जबकि भारत ने 24 लाख टन। लेकिन अमेरिकी परिभाषा में पेच ये है कि उनकी बीफ की परिभाषा में सिर्फ गोमांस ही नहीं है बल्कि भैंस का मांस भी शामिल है। भारत के एक्सपोर्टर दावा करते हैं कि वो सिर्फ भैंस के मांस का निर्यात करते हैं। देश भर में करीब 1700 बूचड़खाने हैं जो अधिकतर यूपी और महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। देश भर के अधिकतर राज्यों में गौ हत्या करने पर प्रतिबंध है, लेकिन 8 राज्य ऐसे हैं जहां गौ हत्या करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये है दक्षिण में केरल, जहां गौमांस के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश के पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में गौमांस खाया जाना और गौ हत्या कानूनी रूप से वैध है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। मणिपुर में 1939 में बना कानून तो है पर गौमांस पर कभी रोक लागू नहीं हुई। तमाम विवाद के बाद सरकार ने मुंबई बंदरगाह पर एक्सपोर्ट किए जाने वाले मांस को चेक करने के लिए लैब बनाने का प्लान किया है।